लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की इमेज फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्शन हीरो की रही है, फिर चाहे वो पर्दे पर हो या रियल लाइफ में हो। खिलाड़ी अक्षय कुमार अपनी फिल्म के साथ साथ अपनी रियल लाइफ को लेकर फैंस के बीच काफी मशहूर हैं। हाल ही में अक्षय ने कुछ ऐसा किया जिससे कि उनकी खूब तारीफ हो रही है। इन दिनों पूरा देश कोरोना वायरस की लड़ाई लड़ रहा है, ऐसे में अक्षय कुमार इस लड़ाई में मदद करने के लिए आगे आए और उन्होंने 25 करोड़ की धनराशि दान की। इसे की सरकार और कोरोना से जंग लड़ रहे लोगों को राहत मिले। यूं तो कई सेलेब्स मदद के लिए आगे आए, लेकिन अभी तक सबसे ज्यादा धन राशि देने वाले भारतीय एक्टर अक्षय कुमार ही है। अक्षय कुमार अपनी फिल्मों के चलते भी काफी मशहूर हो रहे हैं। एक के बाद उन्होंने बीते दिनों कई फिल्में साइन की थी जो कुछ इस साल रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना के कहर से रिलीज नहीं हो पाई। मार्च में उनकी फिल्म सूर्यवंशी रिलीज हो रही थी जिसे अब टाल दिया गया है। वहीं दूसरी फिल्म की बात करें तो लक्ष्मी बॉम्ब, हालांकि अभी कोई नई डेट सामने नहीं आई है, लेकिन ये कहना पड़ेगा कि इस साल एक्टर का सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अटक गया है। बीते कुछ सालों से अकी की फिल्में लगातार 100 से 200 करोड़ क्लब में शामिल हो रही थी। पिछले साल दिसंबर में रिलीज हुई फिल्म गुड न्यूज की बात करें तो ये फिल्म 200 करोड़ क्लब में शामिल हुई थी। अक्षय कुमार की एक साल में 3 से 4 फिल्में रिलीज होती है। अकी की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर 700 से 800 करोड़ रुपए का कलेक्शन देती है, लेकिन इस साल खिलाड़ी की अभी तक कोई फिल्म रिलीज ही नहीं हुई। अगर कोरोना का कहर देश भर से जल्द दूर होता है तो एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार बड़ा धमाका करते नजर आएंगे।